मेरे ये दोस्त लॉरल एंड हार्डी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। हार्डी बहुत ताकतवर है, इसलिए वो अमूमन लॉरल की पिटाई लगाता रहता है। लॉरल हमेशा इस सोच में होता है कि वो किस तरीके से हार्डी का मुकाबला कर सके। एक दिन मैं लॉरल के पास गया तो वो कुछ सोच रहा था, क्योंकि जब भी वो सोचता है उसके कान वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने लॉरल से कहा, क्या सोच रहे? उसने मुझे बताया कि उसने तख्ती ऑनलाइन पर आइंस्टाइन की इक्वेशन के बारे में दो लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें मैस को एनर्जी और एनर्जी को मैस में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। पर साथ साथ एक और बात भी बताई गई है, और वो ये कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के पास पास मूव करें तो हमारा वजन बहुत बढ़ जाएगा, हमारा मैस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अब मैं इस कोशिश में हूं कि एक ऐसी मशीन बनाऊं जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करे, ताकि मेरा वजन, मेरा मैस बहुत बढ़ सके और फिर मैं हार्डी की पटाई कर सकूं। लॉरल बहुत ही गुस्से में लग रहा था। मैंने आराम से कहा, लॉरल, क्या तुम E=mc² की बात कर रहे हो? और अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो ये हमें नहीं बताती कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे तो हमारा मैस इन्फिनिट हो जाएगा। लॉरल कुछ परेशान लगा। मैंने लॉरल से कहा, चलो ये बताओ, क्या इस ट्रेन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं जो कि रेस्ट में है, इसका मैस भी है और हमें स्पीड ऑफ लाइट का तो मालूम ही है। लॉरल बोला, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक, हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेस्ट में है। जो चीजें मूव कर रही होती हैं, क्या उनकी एनर्जी निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से? लॉरल मेरी तरफ हैरान होकर देखता रहा। और अगर कोई चीज इतनी तेजी से मूव कर रही है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पास है, तो क्या उसकी एनर्जी निकाली जा सकती है? मैं आपको लेके चलता हूं इनर्शिया की तरफ, जो कि मैटर की एक प्रॉपर्टी है, और वो हमें यह बताती है कि अगर किसी चीज का इनर्शिया ज्यादा है तो उसको मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, और अगर किसी चीज का इनर्शिया कम है तो हम कम फोर्स के साथ उसको मूव करवा सकते हैं। जिस तरह आपको हाथी और मेज में फर्क नजर आ रहा है, हाथी का इनर्शिया ज्यादा है और मेज का इनर्शिया कम है। हम ये भी जानते हैं कि इनर्शिया को अमूमन मैस से बराबर किया जाता है, और एक चीज हम भूल जाते हैं, और वो ये है कि इनर्शिया मैस के बराबर उस वक्त होता है जबकि चीज बहुत कम स्पीड के साथ मूव कर रही हो। कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगी, स्पीड ऑफ लाइट के पास जाने की कोशिश करेगी, तो इनर्शिया और मैस बराबर नहीं होंगे, इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट नहीं किया जाएगा। ये एक बुनियादी नुक्ता है। इसी तरीके से जब कोई चीज मूव करती है तो उसका एक मोमेंटम होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोमेंटम उस चीज के मैस और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है। मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। आप यहां पर एक बुलेट देख सकते हैं, इसका मैस बहुत कम है पर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरीके से ट्रेन को ले लीजिए, जिसका मैस तो बहुत ज्यादा है पर वेलोसिटी अमूमन कम होती है, तो इसका मोमेंटम भी काफी ज्यादा होगा। और तीसरी कंडीशन एक स्पेस शटल की है, जिसका मैस और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो मोमेंटम m into v नहीं रहता, ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती। उस वक्त हमें एक और इक्वेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड तेज होती जाएगी ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, बल्कि इसके साथ एक फैक्टर आ जाएगा जिसे हम गैमा कहते हैं। तो जब आप किसी ऐसी चीज का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं जो बहुत तेजी से मूव कर रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमें गैमा का फैक्टर डालना पड़ेगा। अब ये गैमा क्या चीज है? शोएब अख्तर की बॉलिंग को ही ले लीजिए। शोएब जब 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं तो गैमा 1 होता है। जब हम पिस्तौल से गोली चलाते हैं तो उस वक्त भी उस गोली के लिए गैमा की 1 के बहुत करीब होती है। मैं अगर एक ऐसी चीज बना लूं, एक ऐसी गाड़ी बना लूं जो कि हमारी जमीन के गिर्द 1 सेकंड में चक्कर लगाए, तो उस वक्त गैमा की वैल्यू 1.01 होगी। इसका मतलब यह है कि गैमा 1 के करीब रहता है, और जब गैमा 1 के करीब रहता है तो ये इक्वेशन मोमेंटम की P=mv रहती है। हम जितनी भी मूविंग चीजों को देखते हैं वो जमीन पर होती हैं, इसलिए जमीन पर जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो गैमा को हम 1 लेते हैं, और एक स्पेशल केस इस इक्वेशन का P=mv बन जाता है, और इसी को हम यूज करते हैं, पर जेनेरिक फॉर्म P=γmv है। जो जो हम स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यहां पर है, तो गैमा की वैल्यू 1.05 होगी। अब मैं और तेजी से गाड़ी चलाऊं और स्पीड ऑफ लाइट के 50% को अगर मैं पहुंच जाता हूं, तो गैमा की वैल्यू 1.155 होगी।
अब मैंने गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी। ये एक स्पेस कार है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास अगर मैं 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता हूं तो गैमा की वैल्यू 2.294 होगी, और इससे भी आगे चले जाएं 99% स्पीड ऑफ लाइट से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो गैमा की वैल्यू 7.089 होगी। गैमा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और अगर मैं 100% पे चला जाता हूं, यानी मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता हूं, तो गैमा की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। इससे हमें यह समझ आता है कि गैमा की वैल्यू जो है वो स्पीड के साथ बढ़ती रहती है जिस चीज में हम ट्रेवल करते हैं। यहां पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाए हैं, पर ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं। गैमा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और जो कंडीशंस मैंने आपको पिछले ग्राफ में बताई हैं वो यहां से आप प्लॉट भी कर सकते हैं। मोमेंटम को यहां पर मैंने दिखाया है, इसके फॉर्मूले में आपको एम नॉट या एम जीरो नजर आता है जो कि रेस्ट मैस है। इसका मतलब यह है कि उस चीज का मैस कैलकुलेट किया जा रहा है या उस चीज का मोमेंटम एक्चुअली कैलकुलेट किया जा रहा है जो कि बहुत कम स्पीड से मूव कर रही है या वो रेस्ट में है। नीचे हमें गैमा की वैल्यू नजर आ रही है और साथ वी नजर आ रहा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, गैमा इंटू रेस्ट मैस इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। साइंसदानों ने गैमा एम नॉट को आसान करने के लिए रिलेटिविस्टिक मैस की टर्म यूज करी। रिलेटिविस्टिक मैस आपको कई जगह पर लिखा आएगा, और उसके बाद हमें मोमेंटम जो मिला वो मैस, ये रिलेटिविस्टिक मैस की बात हो रही है, इंटू वेलोसिटी हो गया। हकीकत में ये इक्वेशन बनती है गैमा इंटू रेस्ट मैस इंटू वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मैस करने में हमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करते हैं, क्योंकि गैमा इसका हिस्सा है, तो रिलेटिविस्टिक मैस जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिससे हम ये समझते हैं कि शायद हमारा वजन जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेंगे बढ़ता जाएगा। पर एक्चुअली हमारा वजन रेस्ट मैस है और वो उतने का उतना ही रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू गैमा बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से मोमेंटम जो है वो बढ़ता रहेगा। आइंस्टाइन के दौर में और उसके बाद आने वाले साइंसदानों ने रिलेटिविस्टिक मैस की टर्म दी ताकि लोगों को आसानी से बताया जा सके कि मैस का बिहेवियर हाई स्पीड पर क्या होता है। उसका हमें फायदा तो हुआ पर कुछ नुकसान भी हुआ, और नुकसान ये हुआ कि लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाना शुरू कर दी कि रिलेटिविस्टिक मैस जो है, क्योंकि वो गैमा की वजह से इन्फिनिटी को जाता था, तो लोग ये समझना शुरू हो गए कि हमारा रेस्ट मैस इन्फिनिट हो जाता है जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। और उसके साथ साथ एक और काम भी शुरू हुआ, और वो ये कि मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन में रिलेटिविस्टिक मैस को इक्वेट करना शुरू कर दिया। यहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन नजर आ रही है, और लोगों ने इसमें रिलेटिविस्टिक मैस को डालकर अजीबोगरीब किस्म की इक्वेशंस बनाना शुरू कर दी। हालांकि हमें यह जानना चाहिए कि रिलेटिविस्टिक मैस में गैमा फैक्टर जो है वो ये बताता है कि ये हाई स्पीड मोशन की इक्वेशंस हैं, इसलिए इस चीज को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। और अब ये चीज आम होती जा रही है कि रिलेटिविस्टिक मैस की टर्म को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ मैस की एक ही टर्म रखी जाए, और वो है रेस्ट मैस। तो किसी भी चीज का मैस सिर्फ रेस्ट मैस होता है, चाहे वो मूव ही क्यों ना कर रही हो, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड में मूव कर रही होगी, तो उसका रेस्ट मैस होगा। रिलेटिविस्टिक मैस की टर्म अब मॉडर्न साइंस में यूज नहीं होती, ये और बात है कि हमारी बुक्स में आज भी वो दिखाई जाती है। इसके साथ हमें ये भी पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट को कुछ और वजूहात की वजह से हम कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते, जिस पर मैं आइंदा वीडियो बनाऊंगा। और ये कहना कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी हमारा वजन बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट को पहुंचेंगे तो हमारा वजन इन्फिनिट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो फिर हम स्पीड ऑफ लाइट को क्यों नहीं अप्रोच कर सकते, अगर हमारा मैस नहीं बढ़ता तो हम स्पीड ऑफ लाइट को क्यों अप्रोच नहीं कर सकते, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस पे कमेंट्स दीजिए। लॉरेल मेरी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, और फिर उसने सोचा कि अब वो कोई डायरेक्ट तरीका ढूंढेगा हार्डी से बदला लेने का।